वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपको क्लब कचौरी, जो कोलकाता की फेमस है, वो क्लब कचौरी की रेसिपी आपको शेयर कर रहे हैं। और जो भैया ये मुझे सिखा रहे हैं, उनका मैं फोटो आपको अभी दिखाऊंगी, उनसे इंट्रोडक्शन कराऊंगी। ये 2 कप मैंने आटा लिया है, ये उड़द दाल है जिसको भिगो लिया था हमने, आधा कप लिया था, 1.5 इंच अदरक है, 1 हरी मिर्च है, ये हमने पम्पकिन पीला वाला कद्दू और आलू बराबर मात्रा में लिए हैं, 800 ग्राम 800 ग्राम। तो आप उस तरीके से ही इसको आधा कर सकते हैं अगर सब्जी ज्यादा नहीं बनानी, मुझे ज्यादा बनानी है। और 350 ग्राम मैंने टमाटर काट लिए हैं, 5-6 मीडियम साइज के टमाटर थे, 2 हरी मिर्च काट ली है और अदरक को ग्रेट कर लिया है। ये मैंने सब्जी के लिए अदरक लिया है तो 1 टेबल स्पून के करीब है। चीनी है स्वाद के अनुसार, शुगर, कसूरी मेथी ली है हमने 2 टेबलस्पून, जो हम आटा और सब्जी दोनों में डालेंगे। पानी है आटा लगाने के लिए, सूजी ली है 1/2 कप, और ये लिया है हमने नमक स्वाद के अनुसार, इमली के मैं क्यूब्स जमा के रखती हूँ, पेस्ट, इमली का पेस्ट है 2 क्यूब, और ये है पंचफोरन मसाला जिसमें 1/4 चम्मच कलौंजी है, जीरा, सौंफ, मेथी और राइस अब आधा आधा चम्मच है, और ऑयल लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने इसको इस तरह से दरदरा पीस लिया है, उड़द दाल को हमने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है, इसको अब हम आटे में डालने वाले हैं। सारी दाल हम आटे में डाल देंगे, बहुत क्रिस्पी बनती हैं और बहुत टेस्टी है ये, आप नाश्ते में बना सकते हैं, आप डिनर में बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं, तो बहुत टेस्टी लगती है। साथ में डाल देंगे ये सूजी जिससे क्रिस्पी बनती हैं, 1/2 कप सूजी ली है हमने इसमें, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालेंगे और नमक स्वाद के अनुसार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अब हम इसमें मोइन डाल रहे हैं, ये हम आपको इंग्रेडिएंट्स में दिखाना भूल गए, फ्राई करने के लिए भी हमें ऑयल चाहिए और ये 4 चम्मच हमने ऑयल लिया है, इसको मिक्स करेंगे, चारों तरफ से इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, पहले बिना पानी के इसको दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो मिक्सी में हमने दाल पीसी थी उसमें से भी हमने पानी डाल के उसको निकाल लिया है अच्छे से, उसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम ये एक टाइट डो बनाएंगे इसका। अगर आप ये आटा अच्छे से लगा लेते हैं, आपको आ जाता है, तो फिर बहुत अच्छी बनती है ये कचौरी, क्रिस्पी बनती है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको आटे को लगाएंगे, और ये देखिए हमने अच्छे से स्लैब को साफ करके और उस पर हम ये आटा लगा रहे हैं। इसको चिकना करना बहुत जरूरी है, आटा जितना अच्छा लगेगा उतनी कचौरी अच्छी बनेंगी। थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको एक बार चिकना करेंगे। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, मैं अच्छे से लिख दूंगी उसको। और ये आटा तैयार कर लिया है हमने, अब हम इसको ढक देंगे 15 मिनट के लिए। ये देखिए कढ़ाई में हमने जब सरसों का तेल डाल दिया है, जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम सब्जी बनाते हैं, और इसको सरसों के तेल को हम अच्छे से पहले गर्म करेंगे। इसमें मैंने 4-5 टेबलस्पून ऑयल डाला है क्योंकि सब्जी मेरी ज्यादा है, आप इसको कम कर सकते हैं। ये देखिए तेल में धुआं जो है वो उठना शुरू हो गया है, गैस को हम कर देंगे ऑफ, और थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम मसाले डालेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं पंचफोरन मसाला और हींग, 1/2 टीस्पून हींग लिया है हमने, हमने ये डाल दिया है इसमें। और अब हम इसमें आलू और पेठा कद्दू डाल देंगे, पहले हमने केवल आलू डाला है क्योंकि
सीताफल पकने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। आलू को थोड़ा सा भून लेंगे हम। ये देखिए, और ये भून गया है, 2-3 मिनट हमें हो गई हैं। अब हम डाल रहे हैं इसमें कद्दू, सीताफल, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको हम ढक देंगे, कवर करके पकाएंगे। अब हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत यम्मी बनने वाली है ये। और अब इसको ढक देंगे, ढक कर पकाएंगे फिर से। ये देखिए, अब हम इसमें डाल रहे हैं सूखे मसाले, धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, अब हम इसको 1-2 मिनट भूनेंगे। और आप देख सकते हैं, हमारा इतना तेल डालने के बाद भी इसमें साइड में कोई तेल नहीं है, यानी आप जो मार्केट में खाते हैं उसमें कितना तेल डलता होगा जब वो साइड में तेल आता है। तो आप घर में बनाइए, घर में खाइए। 2-4 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे ये पानी। ये करीब 1 ग्लास पानी हमने डाला है इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने इमली डाल रहे हैं इसमें, जो हमने रखा था क्यूब्स को, और थोड़ी सी चीनी डालेंगे इसमें। आप स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और कसूरी मेथी क्रश करके हम कसूरी मेथी को डाल देंगे 1 टेबलस्पून, मिक्स करेंगे अच्छे से। और अब फिर इसको ढककर हम पकाएंगे। देखिए कितनी खूबसूरत सब्जी लग रही है ना। और अब हम इसमें डाल रहे हैं धनिया कटा हुआ। हमारी ये बढ़िया सी लगने वाली सब्जी जो है वो बनकर तैयार है। देखिए आटा हमने थोड़ी देर रख दिया, और उसके बाद हमने ये लोइयां तोड़नी शुरू कर दी हैं। इसमें बहुत बड़ी लोई नहीं तोड़नी है, छोटी ही हमें बनानी है। क्लब कचौरी जो है वो छोटी होती है। इसी तरह से हम सारी लोइयां तोड़ लेंगे, पहले लोई तोड़ के रख लेंगे। और आप देख सकते हैं आटा बहुत सॉफ्ट हो गया है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये देखिए इसमें हमने आटा रखा है, और आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और ये आयरन की कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म होना रख दिया है, ताकि इसमें हम ये डीप फ्राई करेंगे। और अब हम इसे बेलेंगे। ये जो कचौरी है इनको बेल लेंगे। और इनको एक प्लेट में रखते जाएंगे। देखिए इस तरह से आप छोटी बड़ी अपने आप बना सकते हैं, वहां बहुत छोटी मिलती हैं कोलकाता में। हमने थोड़ा सा इसका साइज बड़ा किया है। इसी तरह से हम सारी ये कचौरियां बेल लेंगे। ये पूरी कम कचौरी है, जैसे पूरी बोलते हैं उस तरह से दाल की पिट्ठी की कचौरी है। गोल लोई बनाकर, और इसके बाद हम इसको बेलेंगे। आप देख रहे हैं ना कितने आसानी से ये बिल रही हैं, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली हमें करनी है। और हम इसी तरह से सारी बेल लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें एक कचौड़ी डाल देंगे। ये देखिए, अब हम इसको डालकर दोनों तरफ से सेक लेते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर ये पूरियां बन रही हैं, कचौड़ियां जो हैं। इसी तरह से हम ऐसे डालते जाएंगे और इनको निकालते जाएंगे।
देखिए लग रही है ना बढ़िया। तो तेल अच्छा गर्म हो जाए उसके बाद हमें इनको ऐसे डालना है और इनको बनाना है। साइज छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, देखिए कैसे फूली फूली पूरियां बन रही हैं। इनको पलट लेंगे साथ साथ, ये देखिए बहुत ही सुंदर। ये देखिए ऊपर उठाना मेरे पास लाना, ये देखिए बहुत सुंदर। हम ऐसे टिश्यू पेपर में निकालते जाएंगे और इसी तरह से हम सारी कचौड़ियां बना लेंगे। और ये देखिए लग रही है ना यम्मी, ये टेस्टी सब्जी और ये कचौरी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा मुझे आपकी ये कैसी बनी। सब्जी बहुत टेस्टी लगती है आलू और इसकी, और जो बिना प्याज के और लहसुन के चाहते हैं तो वो ये रेसिपी ट्राई करें। आप क्रिस्पी अपने हिसाब से कर सकते हैं, जब वहाँ स्ट्रीट फूड में खाते हैं तो वो बीच में से ऐसे तोड़ के भी सब्जी डाल देते हैं। आप देख रहे हैं ना ये कितनी करारी है, आवाज सुन सकते हैं। तो यानी आप इस तरह से बनाइए, खाइए, बहुत ही यम्मी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।